ने स्थानीय मान जाति मान दशमलव का पढ़ा था। अब थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ेंगे कि उसी स्थानीय मान को हम एक अलग तरीके से लगाएं। अभी दशमलव के हम लोगों ने कई तरीके से हम लोगों दशमलव को पढ़ लिया है। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे ध्यान से समझना है। तो पूरा ट्रिक ही बताएंगे हम, लेकिन पहले ट्रिक नहीं बताएंगे। जैसे दे दिया 5 + 3/10 + 4/100 + 9/1000 + 7/10000 का योग होगा या बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो कैसे सॉल्व होगा बताइए? कोई तरीका इसका? अच्छा, इसको पहले तो सब भिन्न की तरह सॉल्व करते हैं, किसी तरह भिन्न की तरह सॉल्व करते हैं। भिन्न तरह सॉल्व करने के लिए इसका हर एक करेंगे, फिर इसका एलसीएम लेंगे, कितने का, 1 का 10 का 100 का 1000 का 10000 का। इसका एलसीएम जो आएगा वो 10000 आपको प्राप्त होगा। फिर पता नहीं कैसे करते हो सब, छोड़िए ये मुद्दे बातें, हम लोग ऐसे सब नहीं लगाना है, हम लोग ट्रिक यूज करना है। ट्रिक कौन सा यूज करना है? हमें पहले ये देखना है कि हर में जो शुरुआत है वो जीरो क्रम से है। पहले एक लड्डू बढ़ा, फिर दो लड्डू बढ़ा, फिर तीन लड्डू बढ़ा, फिर चार लड्डू बढ़ा, 5। कहने का मतलब है 5 × 3/10 एक लड्डू, 4/100 दो लड्डू, 9/1000 तीन लड्डू, 7/10000 चार लड्डू, माने लड्डू क्रम से बढ़ रहा है। इस कंडीशन में सॉल्व करने एकदम सिंपल तरीका है, लिखेंगे पहले 5, फिर लगाएंगे दशमलव, ठीक, ये लिख देंगे क्रम से 3 4 9 7 आंसर, झंझट खत्म, ठीक। लास्ट में इतने उत्तर आएगा बस गायब, क्योंकि इसका मान ही होता है 0.3 इसका मान होगा, 0.04 इसका मान होगा, 0.009 इसका मान होगा, 0.0007 जब इसका योग करेंगे तो क्रम से आएगा, और धन 5 है। नहीं दिया तो तब भी बता रहे भैया, एक एक कदम चल रहे हैं, नहीं दिया होगा तब भी बताएंगे कैसे लगेगा। ये समझ में आ गया? क्रम से दिया तुरंत लिख दीजिए, मान चाहे जो अंक कोई डिजिट हो। वैसे क्या है इसका, हर बराबर करेंगे, हर का लस लेंगे, हर बराबर करेंगे, कम से कम एक पेज में लगता है ये, तब जाके एक संख्या, अगर यहाँ 55 दिया तो 55 कर लीजिए, 65 दिया तो 65 कर लीजिए, ठीक। समझ में आ गया? एक आध प्रश्न और लिख दे क्या? लिख दे रहे हैं, कौन सा पैसा लग रहा है लिखने का? चलिए 137 + 7/10 + 9/100 + 2/1000 + 4/10000 इसका उत्तर क्या होगा? कि लड्डू क्रम से बढ़ रहा है, तो हो जाएगा 137.7924 आंसर। बस तुरंत आप वैसे देख लेंगे उत्तर 137.7924 बस उत्तर। अभी बता देना, वो भी सब बता देंगे, सब वो भी ऐसे लगाएंगे तुरंत डायरेक्ट उत्तर लिखेंगे, ये मत सोचिएगा कि नहीं, उसके लिए भी कुछ विधि बताएंगे आपको, ठीक। आगे बढ़े, हाँ क्या हुआ? अच्छा आगे बढ़े, जैसे जैसे उन्होंने कहा कि बदल जाए क्वेश्चन, देखिए 8 + 3/100 + 5/10000 हो तब क्या करें? भिन्न का सवाल है, नहीं दशमलव का सवाल, दशमलव पढ़ा रहे हैं। हाँ, जो दशमलव पढ़ा रहे हैं दशमलव मान लीजिए, भिन्न पढ़ेंगे तो भिन्न मान लीजिए। हाँ अभी तो देख रहे हैं, अब या तो हर बदल के लगाए, लीजिए भाई इनका कहना है ठोर बना दे रहे हैं, 9/5 एक लाख, चलिए हाँ अंक दूसरा रहेगा तो लगाना ही पड़ेगा। लेकिन इस सवाल देने का मतलब ये है, ट्रिक देना चाह रहा है आपको, इसको दिए कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इसको 8 का ज्यों का त्यों लिख लिया, फिर अब देखेंगे लड्डू तो बढ़ रहा है, पहले ये इससे जब भी लगाएंगे ये एक चीज हमेशा ध्यान देंगे कि लड्डू आरोही क्रम में होना चाहिए। कौन से क्रम में? नहीं दिया तो आरोही क्रम बना लीजिएगा, आरोही माने बढ़ते हुए क्रम, पहले 2 लड्डू, फिर 4 लड्डू, 5 लड्डू, 4 जितना लड्डू हो उसे कोई मतलब नहीं, 0 4 जितना हो, लेकिन एक क्रम होना चाहिए बढ़ते हुए क्रम में, ठीक। तो ये कितने पे है?
दो जीरो है तो दो अंक पे दशमलव होना चाहिए, दो अंक नहीं दिया है तो एक अंक अपने से मान लेंगे। ठीक, ये चार है तो माने चार अंक में दशमलव लगेगा। हाई अकेला है, यहाँ दो अंक दिया है, चार अंक पे लगना चाहिए, एक जीरो बढ़ा के चार अंक में दशमलव इसका भी हो गया। ये पांच अंक में लगना चाहिए, चार अंक है ये, पांच हो गया उत्तर। ठीक, नहीं समझ में फिर समझिएगा, आठ लिख दिया, ये तीन बटे सौ का मतलब है तीन पे दशमलव दो अंक पे लगेगा इसे, तो यहां लिख दिया हमने। ठीक, अब बचा ये पांच के नीचे चार जीरो है, माने चार अंक में दशमलव लगेगा, यहां पे दो अंक है, एक अंक अपने आप जीरो बढ़ा देंगे, फिर पांच लिख देंगे, चार अंक हो गया। ठीक भैया, दो अंक ये, दो अंक ये, दो अंक इनका, दो अंक इनका, चार अंक हुआ। और मेथड लेकिन बड़ा है, इसी को समझिए, दो बार तीन बार समझिए, ये सरल है, ट्रिक है पूरा। फिर बताएं इसी क्वेश्चन को दोबारा बताएं, पहले तो इसके प्लस के इधर जो पूर्ण संख्या उसको लिख देंगे, चाहे जितना हो, आठ है आठ लिख दिया, तीन बटे सौ का मतलब समझ रहे हैं, जय लड्डू है उतने अंक पे दशमलव लगाना है, अकेले संख्या है तो क्या अंक पे दशमलव लगेगा, दो अंक पे, यहाँ दिया एक ही अंक, दशमलव के बाद जीरो तीन लिख देंगे, समझ में आ गया। इसमें कई अंक लिखना है दशमलव, दो अंक दिया है कई अंक अभी और लगाना है, दो अंक और चाहिए, एक का अंक है। ठीक, फिर आगे कितना दिया है, नौ, पांच अंक पे चार अंक है ये उत्तर। आगे सुन में किसी कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, चलिए और आगे बढ़े। ये दशमलव का ये सब ट्रिक है, और ऐसे दशमलव हमने आपने पढ़ा दिया, मैंने तोड़ तोड़ के दशमलव कैसे सॉल्व करना है इसके पहले कई वीडियोज आपको हमने पढ़ाया है, और आपको ऑनलाइन मिल भी गए होंगे, जो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए हैं उन तक पहुंच भी गया होगा। आगे देखिए, इसी को थोड़ा सा और घुमा रहा है, 12 प्लस 43 बटे 100 प्लस 67 बटे 100,000 प्लस 265 बटे 1,000,000, 3 2 5 0 6 0, चलिए 6 0 कर देंगे, जान दीजिए इतने तक लगाइए, नहीं दिक्कत हो जाएगी, हम बस इसे ई दो ही लगाइए, केवल मुझे आपको समझाना है, एक बार समझ में आ जाएगा, चार जैसा सवाल अलग लगा लेंगे, तब भी बता रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना। यहाँ तो पहले 12 लिख देंगे, उसके बाद है दशमलव लगा देंगे, 43 बटे 100 क्या अंक दशमलव लगेगा, दो अंक पे, दो अंक पहले 43 है तो लिख देंगे, यहाँ पांच अंक में लगना था, पांच अंक में लगना था, दो अंक है, एक जीरो हो गया, उत्तर हो गया। ठीक, समझ में आया, नहीं समझ में आया, आ गया, नहीं समझ में आ रहा है, बहुत फास्ट पढ़ा रहा है, बताएंगे स्लो हो जाएंगे हम, आया समझ में आपको, प्रांजल जी आगे बढ़े, चलिए 234 प्लस 5 बटे 10 15 बटे 10,000, पाँच ही करे तभी समझ में आएगा, 8 बटे 1,000, 3 बटे, रुक जाइए यहाँ, 8 बटे 10, 3 बटे 1,000, अब सही है, 234 प्लस 5 बटे 10,000, 8 बटे 10, 3 बटे 1,000। ठीक, अब 234 को ऐसे लिख देंगे, 2 3 4 दशमलव लगा देंगे, इसके बाद दशमलव ही लगेगा। अब देखेंगे सबसे छोटा लड्डू कहाँ पे है, कम लड्डू, क्योंकि हमने बताया था पहले कि बढ़ते हुए क्रम में रहना चाहिए, तो सबसे कम लड्डू यहाँ पे है, एक अंक में दे दशमलव कितने में लगेगा, कितना लिखेंगे, आठ। अब खोजेंगे इससे ज़्यादा लड्डू, तीन लड्डू, अकेल संख्या है, एक संख्या अपने मन से ले लेंगे, क्या लेंगे, जीरो, हो गया तीन अंक ना। ठीक, अब चार लड्डू, तीन हो ही गया है, आगे समझ में आ गया ना। बस करें,
कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा महत्वपूर्ण था जो मैंने आपको समझा दिया। ये बड़े सवाल हैं। एक आध ऐसे ही लीजिए जैसे बता दें, यही करते आप, एक लाइन में लग गया। 43 + 15/1000 + नहीं यार इसे 2/10 ताकि आपको दिक्कत ना आए ना, 2/10 प्लस हाँ अच्छा 26/ लिख ली, 26/10000 चलिए 10000 क्या 1,00,000 कर लीजिए ताकि एकदम क्रम बिगड़ा हुआ रहे। तो पहले क्या लिखेंगे, पूरा 43 लिख लेते हैं ठीक, फिर दशमलव कितना, 2, फिर 15 की लिखेंगे, 3 अंक पे हैं, अरे 1 अंक हो चुका, 2 अंक है, 3 अंक हो गया अपने आप। अच्छा ये 26 लिखना है क्या, नहीं बढ़ेगा, 3, 2, 5 अंक में 5 अंक करना है, ठीक। अगर इसी में उन्होंने कहा अंक ऊपर का और बढ़ा देगा तब क्या होगा, उसको भी देख लें। अरे जब कहते लगा देंगे तो लगा देंगे, लीजिए 36 + 83/10000 = 278/10 83/10, इसको लगाने का तरीका देखिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ये ट्रिकी नहीं लगेगा, इस कैसे लगेगा, 36 + ये 10 बदलेंगे कितना हो जाएगा, 0.4 अंक में 10 लगेगा, 4 लड्डू है तो 4 अंक में 10 लगना है, 2 अंक दिया है क्या करेंगे, 0.083 प्लस यहाँ 1 अंक में 10 लगेगा 27 प्लस ये हो जाएगा 0.04, इसी को जोड़ देंगे, जोड़ तो पढ़ेंगे 10 का आपको पहले पढ़ा चुके हैं, सबको 10 कन्वर्ट कर दीजिए, बात खत्म। जहाँ ज़्यादा पेज फंस जाए 83/10000 क्या लिख सकते हैं, 0.083 0.0083 278/10 को लिख सकते हैं 27.8 बटे 10 है, जय लड्डू तैंक पे 10, हर में जितना लड्डू रहेगा एक के बाद उतने अंक पे 10 लगेगा, ऐसा हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको पूरा डिफाइन किया था मैंने। 43/1000 ठीक, आप लोग भी देख लीजिए, समझ लीजिए, जो समस्या हो कमेंट बॉक्स बताइएगा, हम पूरा बताने का प्रयास करेंगे, और इसके बाद भी आगे हम लोग ट्रिक पढ़ेंगे, ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है समझ लीजिएगा। और ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध हैं, सी टेट की, यूपीटेट, सुपर टेट भी 2 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, संभवतः शुरू कर देंगे हम, और सी टेट की बैच प्रारंभ, अगर आप जुड़ना चाहें तो आपको मोस्ट वेलकम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दिया गया है ठीक। हाँ अगर कुछ नहीं करना ये लास्ट वाला ट्रिक याद रखिएगा, ये सभी ट्रिक के रामबाण है, लास्ट वाला एक ही ट्रिक है, इसके कोई भी सवाल लग जाएगा, लास्ट वाले भी आचार्य जो लग जाएगा, तो दोनों ट्रिक बताए हैं, हाँ ये सब है, इसीलिए लास्ट इसको बताए, ये ट्रिक याद रखना, ये याद रखें, चाहे जब कोई भूल जाए चले ये याद है लगा लेगा, हाँ लगा के दिखा दे क्या, ये ट्रिक देख लीजिए। अच्छा इसी में अगर ये ट्रिक यूज करना हो, ये जो ऊपर दिया गया यही ट्रिक यूज करना, देखिए क्या लिखेंगे आप, 43 + 3 अंक लगाएंगे 0.01, ये है 0.,, ये कई अंक 5 है 0.00026, बस ऐड कर दीजिए, ठीक। टेलीग्राम में अगर आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में दुर्गेश सर सर्च करके आप जुड़ सकते हैं सीटेट के लिए, और फेसबुक पेज पे इलेनिक भी दुर्गेश, और यदि आप लोग को ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो 6306344367 पर ज्वाइन सीटेड लिख के मैसेज कर दें, ज्वाइन सीटेड, यूपीटेड, सुपर टेट जो आपको ज्वाइन करना है, सारी मैथ क्रम से आप लोग को मिलती रहेंगी। बस आगे बढ़े, अच्छा इस टॉपिक पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर अगले टॉपिक पढ़ते हैं ठीक। दशमलव का एक पार्ट ये हिस्सा खत्म हो गया, फिर ये एक तरह से दशमलव भिन्न भी कह सकते हैं इसे ठीक, एक बार पढ़ेंगे फिर दशमलव से भिन्न बदलना, भिन्न से दशमलव बदलना, आगे बढ़े। चलिए आप लोग समझ में आ गया ठीक है, नहीं समझ में आया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
लिंक दिया, वहाँ से जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ और लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सारी ट्रिक किसी किताब में जल्दी आपको उपलब्ध नहीं मिलेगी। हाँ, प्राथमिक विद्यालय किताब खोजेंगे तो वहाँ भले आपको उपलब्ध हो जाए, छोटी किताबों बड़ी किताबों में नहीं मिलते जल्दी। ठीक, और ये प्रेजेंट ऑफ माइंड है, लेकिन याद रखिएगा भले बढ़ते हुए क्रम में लिखिएगा, जितने अंक पे दशमलव अंक को बदलिएगा, फिर जोड़ दीजिएगा, नहीं आएगा तो अंत में इस तरह का नियम लगेगा तभी आपको फॉल हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर रेयर केस में जो भी तक बिहार टेट और राजस्थान टेट और यूपी टेट में देखेंगे तो क्रम से जीरो देते हैं, तुरंत उसका उत्तर मिल जाए, खोजना नहीं पड़ता, तुरंत प्रश्न देखा आपने, क्रम से जीरो है, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए में आपने लिख दिया, बस इससे ज़्यादा कठिन सवाल नहीं आते। और आएंगे तो प्राथमिक का सीटेट देने जा रहे हैं, वो ज़्यादा कोई पहाड़ नहीं पूछेगा, एकदम ईजी पूछेगा, चिंता ना करें आप लोग। ठीक, चलिए।